तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और 6 लेक्चर इसलिए लगे हैं क्योंकि बहुत डिटेल में हमने सब कुछ पढ़ा है, साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए हमने चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने ईसीएस को देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा था। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किए थे एक दो, है ना। तो अब आपको समझ आ गया हो कि बेसिकली ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, डीपीपी के अंदर आपको ये सब एडिशनली इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, ठीक है, इवन जेई मेन की पीवाई क्यू आपको डीपीपी के अंदर दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें बताया नहीं जाएगा कि ये पीवाई क्यू है, लेकिन आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा, डीपी प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर आज हमारा है जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं और आज हम फराडे लॉ को भी शुरुआत करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम समझते हैं, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, शुरुआत में अभी जिसको याद होगा मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होती हैं, है ना। पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह की कौन कौन सी, एक तो भैया हमने पढ़ा था डैनियल सेल पढ़ा था, या फिर गैल्वेनाइक सेल इसको कहते थे, या फिर इसको गैल्वेनाइक सेल कहते थे, और एक पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेसिकली एक पार्ट तो हमने पूरा पढ़ लिया, इसके अंदर पूरा नर्स्ट इक्वेशन, फिर वो उसका एनोड पे, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इवन ईसीएस वगैरह, वो सब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है। अब हम आज क्या शुरू करेंगे, आज सेकंड पार्ट इसका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला आगे का पोर्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, फिर इसके आगे की सारी बातें वो हम करेंगे आज। सो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे बेस्ड है। शुरुआत में मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया था, थोड़ा सा पीछे लेके चलू आपको मैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सब उसी का पार्ट है। देखो, क्लासिफिकेशन करते वक्त मैंने आपको समझाया था दो तरह का सेल्स के बारे में, थोड़ा सा पीछे और है। हाँ जी, देखो ये देखो यहाँ किया था, देखो गैल्वेनाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, याद है। तो बेसिकली ये पार्ट तो पूरा हो चुका है, डन। अभी तक जितना पढ़े थे सब इस पार्ट में था। अब हम आज का देखेंगे सेकेंड वाला सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर उसके बाद इसके बाद जो भी कंसेंट्रेशन सेल्स होंगे वो भी पढ़ेंगे इसी के आगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, कंसेंट्रेशन सेल तो पढ़ चुके हैं, इसके आगे और भी टर्म आती है, कोलरॉस लॉ वगैरह, वो बाद में पढ़ेंगे। बट अभी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टेप वाइज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो आज का लेक्चर का शुरुआत होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। सो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट एक बार और मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबसे पहले क्या होता है ये समझ लो, है ना। याद करो मैंने क्या बताया था कि सेल क्या होती है, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा, दोनों कन्वर्ट करने का काम करती है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस है, वो ऐसा सेल जो क्या करे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे। अभी तक जो हमने पढ़ा था केमिकल से इलेक्ट्रिकल पढ़ा था, लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, ये हमने पीछे पढ़ रखा है प्रीवियसली। ठीक है, तो लिख लिया जाए यहाँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को चेंज करने के लिए जो डिवाइस, जो सेल का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, चलिए। अच्छा, जैसे वहां आपने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखा था, वैसे यहाँ भी देखते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन है, फिर मैं आपको वर्किंग बता दूंगा। ठीक, इसमें जरा कुछ वर्किंग है नहीं, मैं आपको बता दूंगा सीधा क्या है, देख लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट नोट डाउन करिए। जब हम डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, सॉरी मेरी थोड़ी आवाज खराब हो गई, बट कोई बात नहीं। देखो, जब हम डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें बेसिकली हमने पढ़ा था कि दो अलग अलग कंटेनर्स होते हैं और उन दोनों अलग अलग कंटेनर्स में हम इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, ये तो पढ़ा था। लेकिन देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो मेरा कंटेनर है बेसिकली वो एक ही होता है, इसमें दो अलग अलग कंटेनर नहीं होते हैं। ध्यान से समझना, हम एक कंटेनर लेते हैं और इस एक कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, क्योंकि नाम ही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भर देते हैं, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर देते हैं, मतलब पानी के साथ हम इलेक्ट्रोलाइट को घोल के मिला के और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार करके इसी कंटेनर के अंदर भर देते हैं, और साथ ही साथ एक ही कंटेनर में हम दो दोनों डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमने एनोड लगा दिया, दूसरा एक हमने कैथोड लगा दिया।
अच्छा डिफरेंस क्या है दोनों में, समझाओ, समझाता हूँ। देखो गैल्वेनिक सेल और डायनामिक सेल जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या किया था, दो डिफरेंट अलग अलग कंटेनर्स लिए थे और फिर अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग इलेक्ट्रोड को डिप किया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, सबसे पहली चीज एक सिंगल कंटेनर है, दूसरा क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा जाता है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब, अरे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का सोल्यूशन है ना जी, इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर, ये दोनों को मिला के हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तैयार करते हैं और भर देते हैं। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये तो पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो सबको पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर NaCl है तो Na प्लस Cl माने दोनों अलग हो जाएगा, तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अगर NaCl का एक्वा सोल्यूशन में तैयार करता हूं तो मैं उसको क्या कहूंगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो ये तो सबको पता है, ठीक है। फिलहाल हम फोकस करते हैं क्या, ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल कर रखा है और साथ ही साथ एक ही कंटेनर के अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रोड को डिप किया, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अब समझो थोड़ा सा क्या, लेट्स से ये है क्या हमारा, सबको पता है लेफ्ट साइड होता है एनोड, तो ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या होता है भैया कैथोड है, ठीक है भाई, राइट साइड कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड। अच्छा अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर वहां हमने क्या पढ़ा था कि एनोड नेगेटिवली एंड ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो बेसिकली हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये तो हमने याद कर रखा था वहां भी, बिल्कुल यहाँ भी सेम है, यहाँ भी एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट साइड एनोड है वहां होगा ऑक्सीडेशन, राइट साइड है कैथोड मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रिडक्शन, तो कैथोड पे है रिडक्शन एनोड पे है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से समझो, वहां हमने क्या पढ़ा था कि लोन करके याद किया था, LON, इसमें क्या था लेफ्ट, ठीक है, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड और एन मतलब नेगेटिव, लेकिन यहाँ लोन याद नहीं रखना है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चीजें थोड़ी बदल जाती है, क्यों समझो, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन ये इस बार पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड इस बार नेगेटिवली चार्ज होगा, वहां खेल उल्टा था, यही एक मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनाइक सेल में, ये भूलना मत, एनोड जो होता है ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड में रिडक्शन भी होता है लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ ये चीजें बदल गई, तो अब ये क्या होगा पूरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पूरा क्या होगा नेगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा इसमें एक और चीज बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्या ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये तो सबको पता है कि अगर एक बैटरी लगा दे यहाँ हम, क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको इस बार देनी है इनपुट में और आउटपुट में लेनी है केमिकल एनर्जी, वहां हम क्या करते थे केमिकल एनर्जी देते थे है ना, वहां हम सोल्यूशन भरते थे अलग अलग कंटेनर्स में, फिर दोनों को जोड़ते थे तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। तो मैं यहाँ पहले इसलिए समझाना चाहता हूँ आपको कि एनोड पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ हम एक बैटरी लगाते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए एनोड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन होगा ऑक्सीडेशन अभी भी यहाँ, और वहां क्या होगा कैथोड पे रिडक्शन, सबको पता है। अब देखो अब यहाँ यहीं से शुरुआत होती है, क्या ये पूरा कंस्ट्रक्शन एंड प्लस वर्किंग दोनों में आपको, अब यहाँ वर्किंग में आपको समझा देता हूँ अभी, फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों एक ही स्लाइड में हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, जल्दी से बताओ कि कंस्ट्रक्शन सबको समझ आया, ठीक है। जल्दी से बताओ, अरे बाद में कर लेना यार, यहां तक सबको समझ आया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसलिए साथ दोनों को लेके चल रहा हूँ रिलेट करके, क्योंकि अभी ऐसा ना लगे सडन ये क्या पढ़ाने लगे नया, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीछे डैनियल सेल उससे रिलेट करा दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला पार्ट, ठीक, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। अब वर्किंग में देखो क्या, वर्किंग में कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, क्यों भाई आओ समझो, यहाँ हमने क्या भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्लस H2O, तो मान लो कहीं एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है तो समझ जाना एक्वस का मतलब वाटर भी है साथ में, ठीक है। अब देखो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, बीच में क्या इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक्वस NaCl सोल्यूशन लिया हुआ हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो, लेट्स से एक्वस NaCl सोल्यूशन डिप्ड है, अब ये बताओ अगर एक्वस NaCl सोल्यूशन डिप्ड है मतलब कि ये Na प्लस में टूटेगा ये Cl माइनस में टूटेगा, ओके इट मींस इसके अंदर Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। अब जरा सोच के देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ आयंस माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट का मतलब क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, कैसे आओ समझो देखो, क्योंकि एनोड जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और क्योंकि कैथोड पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है, तो सोच के देखो ये करते क्या है ना कि जो इनके सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होते हैं फॉर एग्जाम्पल Na प्लस एंड Cl माइनस, तो होगा क्या कि Cl माइनस माइग्रेट होके किधर चिपक जाएगा
एनोड वाले पे, और एनए प्लस माइग्रेट होकर इधर चिपक जाएगा कैथोड वाले पे। तो बेसिकली यहाँ डिपोजिशन होता है और आयंस का माइग्रेशन होता है, मतलब वो अपने ही सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, अपने से चिपकाता है, मतलब वेट का इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी भी चिंता ना करो, डिपोजिशन भी होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स माइग्रेट करते हैं, मतलब उस सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होंगे वो क्या करेंगे, माइग्रेशन करना शुरू कर देंगे, मतलब मूवमेंट शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एनोड पे क्या जाएगा, एनोड पे जाएगा सीएल माइनस क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव वाला हमेशा निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स ये तो पता चल गया कि वर्किंग क्या है, वर्किंग ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस का, इंडिविजुअल आयंस का माइग्रेशन होगा टुवर्ड्स कैथोड और एनोड और वो उस पे जाके डिपॉजिट होंगे। तो डिपोजिशन भी होता है और माइग्रेशन भी होता है, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब इसी चीज को दो तरीके से हमको समझना होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये दो वर्किंग है, ये दो वर्किंग हम दो डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम माइग्रेशन को लेते हैं, मतलब इसमें अगर सवाल पूछेंगे ना तो ये दो ही तरीके से पूछे जाते हैं। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग दो तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक तो माइग्रेशन और दूसरा क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, दोनों क्वालिटेटिव लिख दिया, क्या ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब भी समझ लो, यहां हम पढ़ते हैं फैराडे लॉ को, सुना होगा सबने फैराडे लॉ। सो फैराडे लॉ बेसिकली उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंस्ट्रक्शन वर्किंग वाले पार्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। फैराडे लॉ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना लॉ दिया था, ठीक है। वो क्या है सब समझेंगे, चिंता ना करो, बट अभी समझो क्या कि वर्किंग दो तरीके से, एक तो माइग्रेशन भी हुआ और साथ में फिर क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब डिपोजिशन भी हुआ, अभी पीछे बताया ना दोनों होगा क्योंकि आयंस माइग्रेट करेंगे जाके चिपकेंगे, तो माइग्रेशन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा। तो इसको वहां माइग्रेशन समझ लो, इसको यहाँ डिपोजिशन समझ लो। अब माइग्रेशन का मतलब, अब दोनों का अलग अलग मतलब है, क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैंने क्यों बोला ध्यान से समझो, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब कि कौन सा आयन किधर माइग्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल एनोड पे कौन सा आयन जा रहा है सीएल माइनस, कैथोड पे कौन सा आयन जा रहा है एनए प्लस। तो ये तो तुम्हारी क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, मतलब किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन माइग्रेट करेगा, ये है माइग्रेशन। इसलिए मैंने क्या लिखा, क्वालिटेटिव में मैं लिखा माइग्रेशन, लेकिन कितने अमाउंट में होगा, डिपोजिशन कितना हुआ, वेट ऑफ डिपोजिशन कैसे निकालेंगे, वो बेसिकली होगा क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी में कितना हुआ। इसलिए मैंने दोनों का नाम दिया, एक को क्वालिटेटिव एनालिसिस एक को क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में अभी हम पढ़ेंगे माइग्रेशन, तो माइग्रेशन ऑफ आयंस कौन सा, किस बेसिस पे हम चेक करेंगे कि कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा, कौन सा आयन एनोड पे जाएगा, और उसके बाद हम फिर क्वांटिटेटिव मतलब फैराडे लॉ की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमको फैराडे लॉ ही समझना है। तो ये समझ आया कि माइग्रेशन और डिपोजिशन कैसे क्वालिटेटिव कैसे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ आएंगे, वो बताएंगे कि वेट ऑफ डिपोजिशन हम कैसे निकालेंगे, प्रॉपर रिलेशन देखेंगे, प्रॉपर एक फॉर्मूला होगा ये सबका। और यस एब्सोल्युटली से सवाल बनाया जाता है और बढ़िया सवाल इसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हॉट टॉपिक्स है, हॉट टॉपिक्स जो कहा जाता है ना, हॉट टॉपिक्स, दीज आर हॉट टॉपिक्स, इससे सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसीलिए समझा रहा हूँ अच्छे से, बताओ ये समझ आया जल्दी से फटाफट समझ आया। अभी बेसिकली हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब माइग्रेशन देखेंगे अभी। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आओ अब माइग्रेशन देखते हैं। अच्छा माइग्रेशन में क्या है, देखो सबसे पहला एनालिसिस कर ले माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ आयन लिख लो यहां, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख लो, ठीक है। अच्छा इसमें भी दो तरह पे क्या है भाई, एक तो एनोड एक तो कैथोड है, तो एक तो एनोड एक तो कैथोड। अब ये जो देखो माइग्रेशन होता है ना बेसिकली, अब इलेक्ट्रोलाइट तो और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी हमको क्या है, देखो ये जब भी आपको कभी भी माइग्रेशन ऑफ माइग्रेशन का सवाल पूछा जाए कि कौन सा आयन किधर माइग्रेट करेगा, है ना,
कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, उसके लिए बेसिकली हमको ऑर्डर को पढ़ना होता है। जैसे हमने ईसीएस पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास, प्रीवियस लेक्चर में, जिसने लेक्चर देखा उसको पता होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी उसका हमने एक ऑर्डर देखा था कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है वैल्यू पे, शुरुआत में इनर्शियल निगेटिव होता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली वैसे ही ऑर्डर बनाए गए हैं यहाँ भी, और वो ऑर्डर आपको याद करने हैं बिल्कुल जैसे ईसीएस को याद करना है। अब देखो यार ये सब डेटा है तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा अपना कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है, ऑर्डर याद हो जाएगा तो आराम से माइग्रेशन वाले सवाल कर दोगे, मैं करा के दिखा दूंगा, सेटिस्फाई करके ही क्लासेस आओगे। ठीक है, आओ देखो माइग्रेशन। अब यार दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन सा यार, एक तो कैथोड पे एक तो एनोड पे, तो दो ही माइग्रेशन हो सकते हैं। सो पहले मैं आपको लिखवा देता हूं एनोड का माइग्रेशन ऑर्डर, एनोड माइग्रेशन ऑर्डर लिख लो कि कौन कौन से एनोड में ज्यादा नहीं है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या ऑर्डर होता है, समझ लो। सबसे पहले SO4 टू माइनस, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर आता है NO3 माइनस, फिर आता है H2O, फिर आता है Cl माइनस, फिर आता है Br माइनस, फिर आता है I माइनस। सो एनोड पे जो माइग्रेशन ऑर्डर है वो बेसिकली इतने ही है, क्या क्या, और ये क्या है समझ लो, सब पे ग्रेटर देने वाला साइन है। इसके कहने का मतलब समझ रहे हो, ये मैंने इतने इलेक्ट्रोलाइट्स लिखे हुए हैं, एनिक इलेक्ट्रोलाइट्स है सब, मतलब सब अपने अपने आयंस में है इंडिविजुअली। अब देखो समझो, ये आई सबसे ज्यादा है, मतलब आई जो है उसका माइग्रेशन सबसे तेज होगा, सबसे पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी सोल्यूशन में तुमको दिया गया कि क्लोरीन और आयोडीन ये दोनों प्रेजेंट है, अब तुमको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा पहले माइग्रेट होगा, तो जाहिर सी बात है क्योंकि आई माइनस का माइग्रेशन बहुत, माइग्रेशन ऑर्डर हाई है, ज्यादा है, इसीलिए सबसे पहले आई माइनस जाएगा और फिर उसके बाद सीएल माइनस जाएगा। सो एनोड माइग्रेशन ऑर्डर, ये समझ आ रहा है, माइग्रेशन ऑर्डर ये है कि आयंस का माइग्रेशन ऑर्डर, कौन सा आयंस पहले माइग्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर और आई माइनस में कंपेयर करना हो तो भी आई माइनस ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर और SO4 टू माइनस में करना हो तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, वाटर पहुंचेगा, फिर जाएगा SO4 टू माइनस। सो बेसिकली ये क्या है, माइग्रेशन के ऑर्डर हैं जो आपको याद रखने हैं। ये तो एनोड का था, कैथोड वाला भाई भारी भरकम है, बड़ा सा है। सो ऐसे ही कैथोड का माइग्रेशन ऑर्डर होता है, चिंता ना करो, एकदम आराम से समझाऊंगा अभी, ये बस नोट कर लो, तुम इसमें नोट करते जाना मेरे साथ, लाई प्लस, फिर के प्लस, फिर Ba+2, ठीक है, फिर Sr+2, फिर होता है Ca+2, फिर होता है Na+, फिर होता है Mg+2, फिर होता है Al+3, ठीक है, ये सब माइग्रेशन ऑर्डर है, ठीक है, फिर होता है Mn+2, ठीक है, फिर आता है वाटर, फिर आता है Zn+2, फिर आता है Cr+3, फिर आता है Fe+2, बहुत लंबा सा ऑर्डर है, Cd+2, फिर होता है Cobalt+2, Co+2, फिर है आपका Nc+2, ठीक है, ये सब ऑर्डर है, फिर होता है Tin+2, ठीक, फिर लेड है, फिर H+, फिर आता है Copper+3+2, सॉरी +3, अभी क्या कह रहा हूँ, कॉपर का होता ही नहीं है, फिर Ag+, फिर Pt+2, और फिर Au+3। ये है माइग्रेशन ऑर्डर कैथोड का। अब देखो बहुत भारी भरकम है, कुछ कर तो नहीं सकता हूं मैं, क्यों भाई, क्योंकि ये भी एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला तो हम भी याद रखते थे, आपको भी याद रखना पड़ेगा भाई, ये माइग्रेशन ऑर्डर है कैथोड का। अब इतना अगर तुमको पता है ना, बहुत आराम से सवाल सॉल्व कर जाओगे, क्या बोल रहा हूं मैं, इतना अगर पता कर लिया, याद कर लिया, समझ गए कि कौन सा पहले आता है, तो आराम से माइग्रेशन वाले सवाल कर लोगे, और कैसे पूछे जाएंगे माइग्रेशन सवाल वो करा के भी बताऊंगा। फिलहाल बताओ ये माइग्रेशन ऑर्डर क्लियर है, जल्दी से जल्दी से, क्या ये माइग्रेशन ऑर्डर क्लियर है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो डेटा है, सिर्फ मैंने डेटा लिखा अभी तक, बस मैंने आपको ये बताया कि ऑर्डर ऐसा है कि कौन सा पहले माइग्रेट होगा, है ना, कौन सा पहले जाके डिपॉजिट होगा, इसलिए मैंने पहले ये सब ऑर्डर में लिखवा दिया है। जल्दी से बताओ भाई, अब ये माइग्रेशन ऑर्डर पढ़ने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है जाननी, क्या, ये जो वाटर है ना H2O, बेसिकली ये माइग्रेशन ऑर्डर में आप H2O देख रहे हैं ना,
ये देखिए H2O आपको देखने को मिलेगा एनोड वाले मैग्नेशन ऑर्डर में भी, और ध्यान से देखो तो आपको H2O देखने को मिलेगा कैथोड वाले मैग्नेशन ऑर्डर में भी। दोनों दिख रहा है आपको, दोनों का दोनों दिख रहा है, H2O कैथोड वाले में भी और एनोड वाले में भी। अब क्योंकि दोनों में आपको माइग्रेशन कैथोड और एनोड दोनों में आपको H2O दिख रहा है, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है कि जो H2O है ना भैया, ये इतना आसानी से आपको नहीं समझ आएगा। H2O के लिए ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्या एक बार देख ले कि सब ठीक तो है ना। ठीक है, अब ये तो भगवान से पूछो जो एक्सपेरिमेंट करके दिया उससे पूछो कैसे याद रखेंगे, हम तो भाई याद रखेंगे, तुमको भी रखना पड़ेगा। अब खास बात क्या है, खास बात ये है ना कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और दोनों के माइग्रेशन ऑर्डर में वाटर आ रहा है। इट मींस जो वाटर है ना ये दोनों करता है, कैथोड पे रिडक्शन भी करेगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन भी करेगा। ओके, मतलब ये जो वाटर है ना इसके बारे में थोड़ा मैं एडिशनल नॉलेज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल में ये आपको पता रहना चाहिए तभी सवाल सॉल्व होगा। और कैसे होगा मैं समझाऊंगा, समझो जब। तो जो H2O है ना ये बेसिकली अंडरगो क्या, अंडरगो दोनों का दोनों, अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ दोनों करेगा भैया। अब समझना ये है क्या कि जब भी एनोड पे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, तो जब भी एनोड पे जाएगा, जब भी वाटर एनोड पे जाएगा मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इट मींस जो वाटर होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो क्या करेगा, जब भी एनोड पे जाएगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा वहां, और वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो O2 बनाता है ऑक्सीजन, साथ ही साथ H+ आयन रिलीज होते हैं, और उसी के साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज करता है। क्यों, क्योंकि यहां से देखो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, सो O2 बनाता है, ठीक है, और ये 2 यहाँ लगा लो क्योंकि ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली वाटर जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होके O2 बनाता है, और उसके साथ साथ 4H+ रिलीज होता है, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। अब ये 4 जो लगा है ना बेसिकली ये क्या है, तुम्हारा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए आगे 2 लगाए। ठीक है, ये बेसिकली एनोड पे होता है। सिमिलरली अगर कैथोड पे देखूं तो कैथोड पे क्या होगा भैया, रिडक्शन। तो वाटर का जब रिडक्शन होगा तो वाटर का रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो भी देख लो, यहां भी 2 मोल होता है H2O का। अब ये क्या होगा, अब ये बेसिकली रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस कैसे होता है भैया, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, साथ में क्या बनाता है, H2 बनाता है और 2OH- आयन रिलीज करता है। अब समझने वाली बात क्या है कि जब ये एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन करेगा तो O2 गैस बनेगी वहां, ओके, और जब ये कैथोड पे जाके रिडक्शन करेगा तो H2 गैस बनेगी वहां। इसीलिए कहा जाता है कि वाटर का जानना बहुत जरूरी है, वाटर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों करता है, ये दोनों रिएक्शन तुमको पता होनी चाहिए, मैंने वो लिखवा दी। तो हमेशा याद रखो वाटर ऑक्सीडाइज होगा कब, जब वो एनोड पे जाएगा, इट मींस वहां O2 फॉर्म होगा, और वाटर रिड्यूस होगा कब, जब वो कैथोड पे जाएगा और वहां क्या होगा, H2 फॉर्म होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि वाटर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करता है, इसीलिए ये दोनों के माइग्रेशन ऑर्डर में है, ये दोनों के माइग्रेशन ऑर्डर है इसीलिए। बोलो ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर ये चीज क्लियर है हो गई तो आप इतना पढ़ के तैयार हैं एक अच्छे सवाल को सॉल्व करने के लिए। बोलो करोगे सवाल को सॉल्व, बोलो। बोलो करोगे सवाल सॉल्व, बोलो तो कराएं, बिल्कुल करेंगे, बोलो तो यार, एक्साइटमेंट तो दिखाओ। चलो अब दिखाते हैं कि सवाल कैसे पूछेंगे, आओ देखो। सवाल बेसिकली ऐसे पूछे जाते हैं, कैसे, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यही था, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब इस पे बेस में आपको सवाल करा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक सवाल है मेरे पास, बढ़िया सवाल है, क्या है, तो वो है भैया एक्वस NaCl हमने लिया है, क्या लिखा, एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या बोला गया, सॉन्ग बोला गया राइट रिएक्शन, राइट रिएक्शन फॉर कैथोड एंड एनोड।
अब यही चीज हमको करनी है क्या, हमारे पास एक्वस एनएसीएल है और साथ में हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया है। अब रिएक्शन लिखिए फॉर कैथोड एंड एनोड, यही पूछा जा रहा है हमसे। चलो भाई तो फॉर एनोड सबसे पहले लिख ले। अच्छा एनोड पे क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन होता है, अभी पढ़ के आए। अच्छा हमारे पास है क्या क्या, सोच के देखो। एक्वस एनएसीएल मतलब भैया एनएसीएल भी है और साथ में वाटर भी है, अरे यही तो समझना था। एक्वस का मतलब कि पानी भी है और साथ में एनएसीएल भी है। अच्छा एनएसीएल किस में किसमें टूटेगा, एनएसीएल टूटेगा, एक तो एनए भी है साथ में सीएल भी है और वाटर भी है, मतलब अब ये इन तीनों में देखना है क्या, ये एनए प्लस, ये सीएल माइनस और साथ में हमारे पास वह है वाटर। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और सबको पता है कि अभी पीछे पढ़े क्या है, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है अब सोच के देखो, पॉजिटिव कौन है, एनए प्लस, तो क्या एनए प्लस एनोड पे जाके चिपकेगा क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों भाई, क्योंकि एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, इट मींस चिपक कौन सकता है, सीएल माइनस। लेकिन 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 साथ में वाटर भी तो है, तो मैंने क्या बताया कि वाटर अगर रहता है तो वो एनोड पे भी जा सकता है, वो कैथोड पे भी जा सकता है, तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन हो गए भाई। अब ये मत कर देना सीधा कि भाई एनोड है पॉजिटिवली चार्ज तो पक्का ये सीएल माइनस जाके चिपक जाएगा एनोड पे, ना 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 ऐसे नहीं करेंगे हम, चेक करेंगे क्या भाई, क्यों, क्योंकि एक तो हमारे पास सीएल माइनस का भी ऑप्शन है, एक हमारे पास एचटीओ का भी ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि अगर वाटर आ गया ना भैया तो वो एनोड पे भी जा सकता है, वो कैथोड पे भी जा सकता है, तो अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए ना। अब हमको सेलेक्ट करना है इसमें से कि पानी जाएगा कि सीएल माइनस जाएगा, यानी एनोड पे जाएगा कौन, एनोड पे जाएगा निगेटिव वाला, तो निगेटिव तो सिर्फ सीएल माइनस ही है, लेकिन अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि भैया वाटर भी तो जा सकता है, क्यों, क्योंकि वाटर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर सकता है, वाटर एनोड पे भी जा सकता है, वाटर कैथोड पे भी जा सकता है, तो अब हमारे पास हो गया मल्टीपल ऑप्शन भाई, हमको सेलेक्ट करना है कि सीएल माइनस जाएगा कि वाटर जाएगा। अब सोच के देखो यही काम क्या आएगा, यही आएगा माइग्रेशन ऑर्डर का काम। अरे भैया अब यही तो मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए तो मैंने आपको माइग्रेशन ऑर्डर लिखवाया है, किसका, एनोड का, तो चेक करो एनोड पे माइग्रेशन ऑर्डर में कौन पहले है, अरे सीएल माइनस पहले है एज कंपेयर टू एच टू ओ, तो सोच के बताओ सब लोग कौन जाएगा भैया, भैया सीएल माइनस ही जाएगा, इट मींस चुपचाप से आप सीएल माइनस का रिडक्शन रिएक्शन लिख दीजिए, तो फॉर एनोड मतलब एनोड पे कौन जाएगा, सीएल माइनस का होगा ऑक्सीडेशन। अब सोच के देखो सीएल माइनस का ऑक्सीडेशन मतलब ये सीएल माइनस है लेट्स से, तो ये सीएल माइनस जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये सीएल टू बनाता है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ टू लगा लीजिए। सो ये बेसिकली रिएक्शन हो गया फॉर किसके लिए, एनोड के लिए। सिमिलरली अब अगर कैथोड की बात करें तो फॉर कैथोड। अच्छा सबको पता है कैथोड का नेगेटिवली चार्ज, मतलब पक्का कोई पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसी ही जाएगा सर, और इस पे होता है रिडक्शन, तो रिएक्शन जो भी जाएगा और रिडक्शन रिएक्शन उसका दिखा देंगे हम लिख के। अब सोच के देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज तो एन ए प्लस ही है, लेकिन 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 गलती मत करना फिर से एक बार, और वाटर भी तो है, अरे मतलब वाटर जो है वो कैथोड पे भी तो जा सकता है, अगर एनोड पे जा सकता है, कैथोड पे जा सकता है, तो हमको बारी बारी चेक करना पड़ेगा ना, पहले हमने सीएल माइनस और एच टू ओ में चेक किया, अब हम कैथोड के लिए जा रहे हैं तो हम एन ए प्लस और एच टू ओ में चेक करेंगे। अब वापस से चलिए पीछे, किसका, कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर चेक करिए, इसमें चेक करिए कौन आगे है, एच टू ओ आगे है कि एन ए प्लस आगे है, अरे भैया यहाँ हो गया गड़बड़, देखो एन ए प्लस पीछे है एच टू ओ आगे है, मतलब अब इस केस में एन ए प्लस नहीं जाएगा, हमको लग तो रहा था कि एन ए प्लस ही जाएगा, लेकिन क्योंकि एच टू ओ का माइग्रेशन ऑर्डर कैथोड पे ज्यादा है इसीलिए यहाँ रिडक्शन दिखाएंगे किसका, वाटर का, और पीछे मैंने वाटर का रिडक्शन रिएक्शन लिख दिया है। सो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को आप ये जो रिएक्शन लिखा है इसी रिएक्शन को चुपचाप उठा के यहाँ छाप दीजिए, क्या बनाएगा, एच टू गैस बनाएगा, क्यों भाई दो इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिडक्शन होती है ना, सो लिख दीजिए यहाँ प्लस टू इलेक्ट्रॉन, साथ में बनाएगा एच टू और फोर ओ एच माइनस रिलीज होंगे, सॉरी टू एच माइनस फोर, कहाँ से ज्यादा हो जाएगा ना फोर। अब देखो अब कई बार प्रोडक्ट भी लिखने को बोल देता है, मान लो क्वेश्चन बोल देता है एंड राइट प्रोडक्ट फॉर्म, एंड राइट प्रोडक्ट फॉर्म, तो आराम से आप क्या बोल दोगे कि भैया एनोड पे बन गया है सीएल टू और कैथोड पे बन गया है एच टू, मतलब ये दोनों गैस डिपॉजिट हो चुके हैं जाके, कहा एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ है सीएल टू, कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ है एच टू, तो ये आपके दोनों इंडिविजुअल रिएक्शंस। आई थॉट बहुत सिंपल, बहुत आराम से समझाया, अब आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है।
समझ गए कि मैंने क्यों पहले आपको एनोड और कैथोड दोनों का माइग्रेशन ऑर्डर समझाया, उसके बाद H2O का रोल समझाया और फिर आपको सवाल कराया। इजी हो गया? ये पहले आपको बड़ा दिक्कत करता होगा। अरे जस्ट फॉर अ रैंडम एग्जांपल था, ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट लिबरेट होंगे, तो तुम फटाफट से बिना रिएक्शन लेके प्रोडक्ट याद कर लो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में आपको रिएक्शन लिखने को नहीं आएगा, वहां पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो देख लिया हमने Cl2 बना और H2 बना, तो आप बस फटाफट से याद कर लेना, रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं, रिएक्शन आप नोट्स में डाल लीजिए। क्लियर है? जल्दी से समझाओ, बताओ जल्दी से, क्लियर है? हाँ जी, चलो अब अगर क्लियर है तो एक और सवाल कर लो भैया। करोगे? कर लो, आ जाओ। एक और सवाल है। सवाल क्या है? वही चीज आपको करनी है, वहां भी आपको इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखना है, ठीक है? लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमने यूज किया एक्वस CuSO4, कॉपर सल्फेट, एक्वस CuSO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहां भी वही करना है, प्रोडक्ट लिखना है, साथ ही साथ रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है? अब आइए, सबसे पहले क्या है CuSO4? CuSO4 मतलब अरे Cu+2 होगा सर, SO4 -2 होगा, और एक्वस बोल दिया मतलब भैया वाटर भी होगा, तो तीन है हमारे पास। अब तीन तीनों में चेक करना है, तो एनोड के लिए एट एनोड, भैया एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो चेक करना होगा किसमें, SO4 2- आएगा कि H2O जाएगा। अरे सिंपल है, फटाफट से चलिए पीछे चेक करिए एनोड माइग्रेशन ऑर्डर। अरे SO4 2- तो यहाँ, H2O वहां है, इस बार H2O जाएगा, H2O पहले है, H2O जाएगा, तो क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन मैंने आपको कराना सिखाया है पीछे, क्या था, 2H2O, ये किस में जा रहा था, O2 में, प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ एनोड पे, एनोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो O2 गैस बनेगा। क्या बात है, लीजिए भाई सेम चीज एट कैथोड कर लेंगे। अब क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पे हमको रिडक्शन रिएक्शन दिखानी है, तो क्या करेंगे भैया, अब इस बार क्योंकि निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को चेक करेंगे। अब क्योंकि वाटर तो भाई दोनों करता है, तो जब भी वाटर होगा तो एक एक बारी बारी से सबके साथ कंपेयर करेंगे। अब Cu+2 है और साथ में वाटर भी तो है, अब चेक करेंगे कि Cu+2 या फिर वाटर, तो चलिए चलिए किधर, कैथोड माइग्रेशन ऑर्डर में, अब चेक कर लीजिए H2O है आगे Cu+2, नहीं, इस बार Cu+2 है आगे, क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ है Cu+2, H2O रह गया पीछे, इस बार हमने वाटर को पछाड़ दिया। अब जब वाटर को पछाड़ दिया तो Cu+2, अब सिंपल है, Cu+2 का आप रिडक्शन दिखा दीजिए, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, साथ में कॉपर सॉलिड बना देगा, यानी इस बार जो प्रोडक्ट होगा किस पे, कैथोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। ये है बेसिकली आपका रिएक्शंस एज वेल एज उनके प्रोडक्ट्स। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रोडक्ट ही पूछे जाते हैं, क्लियर? चलो भैया क्या बात है, हो गया भाई, हो गया भाई, खेल खत्म, समझ गए? अब इससे आसान क्या समझाऊं मैं, इसमें दिक्कत हो गया होगा आपको, लेकिन अब ये हो गया आपके लिए आसान, हो गया क्या? हाँ वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो ECS याद कर लोगे तो वो भी याद हो जाएगा। सिंपल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सिंपल है। बीच में है। अब देखो, अब हाँ यही देखो, एक चीज बता दी तो आओ अब एक और सवाल करो। अब इस बार सवाल क्या है समझो, अगर ऐसा सवाल हो तो क्या भैया, वो देखो कंसंट्रेटेड H2SO4, इस बार एक्वासो को जिसने जिक्र नहीं किया है, बोला कंसंट्रेटेड H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, राइट डाउन द प्रोडक्ट फॉर्म। एट कैथोड एंड एनोड,
मतलब कैथोड और एनोड इन दोनों पे बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इस बार? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सिंपल है भैया, कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब, अरे यार एक तो H प्लस, एक तो SO4 2 माइनस। वाटर का यहाँ कोई फंडा ही नहीं है, वाटर है ही नहीं, वाटर की बात की ही नहीं, एक्वस लिखा ही नहीं, तो कितना सिंपल है यार। H प्लस का H प्लस, SO4 2 माइनस का SO4 2 माइनस। अब अगर मैं एट कैथोड लिखूं तो कैथोड तो होता है नेगेटिवली चार्ज, और जब नेगेटिवली चार्ज है मतलब जाहिर सी बात है सर H प्लस ही तो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक यही तो पॉजिटिव चार्ज है, और कौन सा बचा है? कोई नहीं। तो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो चुपचाप से H प्लस का रिडक्शन दिखा दो। क्या बात है सर, H प्लस का रिडक्शन दिखाओगे कैसे, याद किए थे? अरे ऐसे ही देख लो ना फटाफट से। H प्लस क्या होगा, H प्लस को मान लो दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लेगा, सिंपल है, यानी 2H+। लो भाई रिडक्शन हो गया H+ का। तो सिंपली कैथोड पे क्या प्रोडक्ट है? अरे कैथोड पे H2 है भैया, ये प्रोडक्ट है कैथोड का। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। वाटर दिया हो तो और बेहतरीन, वाटर नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा करो एट एनोड। अब एनोड पे क्या जाएगा, निगेटिव, क्यों? क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इस बार SO4 2- माइग्रेट करेगा एनोड पे। क्या बात है यार, क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है, सिंपल है SO4 2-। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन दिखाना है, हाँ एक चीज मैं आपको याद करा दूंगा अभी, देखो कैसे, रिएक्शन नहीं पता हो तो रिएक्शन नोट कर लो। SO4 2- जो है बेसिकली वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होता है, तो क्या बनाता है ये याद रख लो, ये बनाता है S2O8 2-। यही बस आपको पता होना चाहिए, ये प्रोडक्ट है आपका, यही प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। मतलब SO4 2- ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, S2O8, ठीक है, डाइमर बनाता है ये, -2, ब्रैकेट हटा दो, S2O8 -2, और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन को करता है रिलीज, तो प्रोडक्ट हो गया ये आपका इस बार। यानी एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, S2O8 बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर, सिंपल है। अब कोई दिक्कत, वाटर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वाटर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? अरे नहीं, बस ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट अलग बनता है, SO4 2- ऑक्सीडाइज होके S2O8, यस बस, क्लियर है भैया? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। अरे नामुल तुम चैट के लिए तैयार रहते हो, ठीक है ठीक है, चलिए। अब खैर ये तो बात रही क्वालिटेटिव एनालिसिस की, अरे क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो पढ़ ले, आवाज निपटा देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, मतलब अब शुरू होगा फराडे का लॉ। तो इसके अंदर बेसिकली हमको पढ़ना होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम क्वांटिटी में बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि माइग्रेशन ऑर्डर देख के पता कर लेंगे किधर कौन सा जा रहा है, लेकिन 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 कोई हमसे पूछे कि कितने अमाउंट में डिपोजिशन हुआ है, कितना वेट डिपोजिशन हुआ है, तो कैसे निकालेंगे क्वांटिटी में कितना हुआ है, कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे फराडे लॉ के हेल्प से। सो अब हम पढ़ेंगे फराडेज लॉ। फराडे ने दो लॉ दिए, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ फराडे बड़ा सिंपल है यार, कुछ करना नहीं है, आप समझो। फराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया, दोनों सिंपल पढ़े ला है, लेकिन तगड़े हैं, क्यों सवाल पूछा जाता है भाई। फ्राइडे का फसला क्या कहता है, बड़ा सिंपल सी बात कहता है, क्या कि वेट जो भी है, जो भी वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब ये चार्ज कहां से आया, देखो चार्ज आया यहां से, कहां से, अरे भैया हमने बैटरी तो लगा रखी थी ना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं होगी, और जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां इलेक्ट्रिक करंट है, और जहां इलेक्ट्रिक करंट है वहां चार्ज है। मतलब जितना ज्यादा करंट को आप पास करेंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना ज्यादा चार्ज होगा, और उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। सो फैराडे का फर्स्ट लॉ सिंपल यही कहता है कि द वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट। क्या बोलता है ये, शॉर्ट में लिख लो, द वेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द चार्ज पास्ट थ्रू इट। बड़ा सिंपल है, मतलब वेट डिपॉजिट को मैं W लिख रहा हूं, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का आना जरूरी है। यहां जो कांस्टेंट आता है उसको हम लिखते हैं Z। सो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। यहाँ Z जो है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसका एक खास नाम है, और वो खास नाम क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी क्या बताऊंगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, तो W इक्वल्स टू Z इनटू Q, यही है फर्स्ट लॉ फराडे का। अच्छा, इसको चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो। क्या भाई, हम जानते हैं क्या Q इज इक्वल्स टू I इनटू T होता है। अरे पढ़ा था I इक्वल्स टू Q बाई T। I क्या है, I है इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है, टाइम है। लिखवा देता हूं यहां, तो Q को मैं I इनटू T लिख सकता हूं। सो फर्स्ट लॉ को मैं और तरीके से क्या लिख सकता हूं, W इक्वल्स टू Z I इनटू T। ठीक है, क्लियर, सिंपल। यही था फैराडे का फर्स्ट लॉ, सिंपल है, कितना आसान है यार, है कि नहीं, बोलो बोलो यार, है कि नहीं। फराडे का फॉर्मूला समझ आया, जो वेट डिपॉजिटेड होगा वो डेली फॉर्मूला का क्यू के, मतलब जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। अब डब्ल्यू को डेड इनटू क्यू, जेड क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और फिर दूसरा फॉर्मूला हमने देख लिया, क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई इनटू टी, जेड इनटू आई इनटू टी। लेकिन 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 अब एक और बात, अभी अगर आप समझ रहे हैं कि आपने फराडे के फर्स्ट लॉ को बहुत मस्त तरीके से समझ लिया और ये फार्मूला एक याद कर लिया और फिर टाटा बाबा कर दिए, तो रुकिए, इतना आसान भी नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि ये पूछा ही नहीं जाता है, हैं? ये नहीं पूछा जाता है, ना 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 ना, ये बहुत सिंपल रिलेशन है, ये डायरेक्टली पूछा ही नहीं जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा सर, वही तो हम देखेंगे। यहाँ जो आप जेड देख रहे हो ना, ये है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, लेकिन ये सबको हिला देता है, क्यों, क्योंकि आधे को समझ नहीं आता है। ये जो जेड है ना भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसका एक और फॉर्मूला होता है, जेड को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर। अरे अब खेल शुरू हुआ यहां, सॉरी क्या बोलते हैं, मैं जेड को लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे एफ। अब इक्विवेलेंट वेट फराडे, चलो समझ में आ गया, क्यों, कि मैंने पीछे पढ़ाया है, वन फराडे क्या होता है, चार्ज ऑन वन फराडे होता है 96500, पढ़ा था हमने, है ना, यूनिट होती है बेसिकली, तो ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या है भाई, जेड को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे। अब ध्यान से समझ लो, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट कह लो या फिर मॉलिकुलर वेट कह लो अपॉन एन फैक्टर। मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को समझने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए, और फिर जब आप इक्विवेलेंट वेट को फराडे से डिवाइड कर दोगे तो ये जेड आ जाएगा। अब एग्जामिनर इसी के अंदर घुसता है, यही चीज आपसे पूछता है, इसलिए मैंने अलग अलग तोड़ दिया सबको। क्या, पहले मैंने जेड को तोड़ा, जेड क्या होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे, फिर मैंने इक्विवेलेंट वेट को तोड़ा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एटॉमिक वेट कह लो या मॉलिकुलर वेट, जिसको मैंने मोलर वेट लिख दिया है, ठीक है, तो एटॉमिक वेट कह लो या मॉलिकुलर वेट कह लो अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब सबको एक साथ मिलाओ, क्या, अब सबको मिला के मैं जेड को क्या लिख सकता हूँ, जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोच के देखो, इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं क्या लिख दू, मोलर वेट मतलब मॉलिकुलर वेट अपॉन एन एफ एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई फराडे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे मॉलिकुलर वेट कह लो या एटॉमिक वेट कह लो एटी। अब इस जेड को उठाओ और यहां पुट कर दो, तो अगले पेज में क्या लिख दिया जाए, एक सेकंड स्लाइड ऐड कर दी जाए, ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सारे रिलेशन पता होने चाहिए भैया, इसीलिए इतना आसान भी नहीं है। आओ क्या है देख लो, अब W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू होता है, तो W इक्वल्स टू, अभी Z की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, एटॉमिक वेट अपॉन, Z की जगह क्या लिखा जा सकता है, सोच के देखो,
एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू फराडे इनटू चार्ज। हाँ लिख सकते हैं, ये भी एक रिलेशन होता है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है भैया, बिल्कुल पूछा जाता है। अब सोच के देखो, चार्ज को मैं आई इनटू टी लिख सकता हूं, तो इसको एक और तरीके से लिख लो क्या, एटॉमिक वेट इनटू आई टी अपॉन एन एफ मतलब एन फैक्टर इनटू फराडे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अच्छा इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर, ये एन फैक्टर को उधर भेज दो, डब्ल्यू को नीचे ला दो। अच्छा इसको ऐसे कर लो, एन फैक्टर इंटू फराडे इक्वल्स टू, देखो एन फैक्टर इंटू फराडे इंटू वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी। अब मैं एक मस्त सा रिलेशन आपको समझाता हूँ, क्या सोच के देखो, ये F को भेज दो नीचे, W को भेज दो नीचे, या फिर इसको ऐसे कर लो, देखो ये तुम्हारा F है, यहाँ क्या था, वेट था है ना। अब कुछ करना नहीं है, एक काम करो, ये एटॉमिक वेट को लाओ इधर, F को ले जाओ उधर। तो फॉर्मूला यहां से क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर इनटू, ये देखो W था, नीचे क्या आ गया, एटॉमिक वेट आ गया, या फिर मोलर वेट इसको कहते हैं, और एफ चला गया उधर, मतलब आई टी अपॉन एफ, आई टी अपॉन एफ। अब एक और चीज क्या, ये देखो ये क्या है, डब्ल्यू अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिकुलर वेट। सोच के देखो क्या, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान से देखो, अरे यही तो मोल होता है, अरे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मॉलिक्यूलर मास, या फिर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं ये वेट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिख सकता हूँ, मोल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल, मतलब एन फैक्टर इंटू, ये पूरा का पूरा हो गया मोल, और यहाँ हो गया आई टी अपॉन एफ। यही फाइनल रिलेशन मैं आपको डिराइव करना चाहता था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सीधा याद कर लो, एन फैक्टर इनटू ये मोल्स है, पढ़ाए हमने क्या भाई, मोल्स क्या होता है, एन क्या होता है, अरे यार गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कह लो या एटॉमिक वेट कह लो, तो वही तो मैंने किया है, ये वेट डिपॉजिटेड हम निकाल रहे थे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, तो मैं वेट डिपॉजिटेड अपॉन एटॉमिक वेट को मोल्स नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो मैंने उसको एन लिख दिया, जहां एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, मतलब एन फैक्टर इनटू मोल्स इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन एफ, जहां एफ की वैल्यू याद रख लो, एफ मतलब 1F, 1F या एफ लिखो, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। बोलो समझ आया, यही मैं आपको करना चाहता था, इसलिए समय लगा, बोलो। अरे भाई एन फैक्टर वो मत याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो नहीं है, एन फैक्टर जो चार्ज होता है इंडिविजुअली वो है, वो तो मैंने अलग से वो सॉल्यूशन चैप्टर में तुमको पढ़ाया था ना कि यहाँ एन फैक्टर कैसे निकालोगे। अरे भैया तुम लोग एन फैक्टर को तो अलग ही समझ गए, एन फैक्टर तुमको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, अब देखो यार एन फैक्टर नहीं समझ आया तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। ये चार्ज देखा जाता है कि इंडिविजुअली पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कितना है, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है तो उसका एन फैक्टर +2 हो जाएगा, कैल्शियम की बात करूं कैल्शियम में क्या होता है, +2 चार्ज होता है तो कैल्शियम, कैल्शियम के जो भी होंगे वो क्या होगा, यस चार्ज, नहीं भाई वो दूसरी चीज, वैल्यू वहां एन है, यहां एन नंबर ऑफ मोल्स है, ये वैल्यू ऑफ एन मैं तुमसे थोड़े कह रहा हूं, मैं एन फैक्टर बोला हूं एन नहीं, और यहाँ एन नंबर ऑफ मोल्स है, यार मोल्स ही तो है, एटॉमिक वेट अप वेट अपॉन एटॉमिक वेट, समझ आएगी नहीं आया, बताओ ये रिलेशन, देखो सानिया को भी क्लियर हो गया, रिलेशन क्लियर है, यस एल कैन फैक्टर +3 होगा, जाहिर सी बात है यही तुमको समझना है, क्लियर। चलो भैया ये ही रिलेशन मैं आपको डिराइव
डिराइव करना चाहता था फॉर दी फराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फराडे के दो लॉ हैं इसलिए मैंने लिखा फर्स्ट लॉ, भी एक और लॉ है पर फिलहाल समय हो चला है इसीलिए फराडे के फर्स्ट लॉ निपट चुका है, एक और लॉ फराडे का है। उसके बाद सिंपल दूसरा तो कुछ है नहीं, बस वो रेशियो लेना है। फराडे का सिंपल लॉ देखो तो शॉर्ट बता देता हूँ, ठीक है, वो होता है डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल्स टू जेड वन अपॉन जेड टू। ठीक है, फ्राइडे का सेकेंड लॉ यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस एक रिलेशन है, उसमें तुमको कुछ पता नहीं, बस ये चीज याद रख लो हमेशा। ठीक है, फ्राइडे के सेकेंड लॉ में क्या करते हैं, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को हम कर देते हैं कॉन्स्टेंट। फ्राइडे के सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ करंट को पास करेंगे, क्या सेम अमाउंट ऑफ करंट को, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट को पास करेंगे, तो सोच के देखो जब करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी इट मींस जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू Z इनटू Q होता है, तो अगर मैं रेशियो लूंगा W1 अपॉन W2 इट मींस क्या होगा, चार्ज तो कांस्टेंट है लेकिन Z1 अपॉन Z2 होगा, Q बाय Q होगा, Q से Q कट गया, क्यों, क्योंकि चार्ज को हमने रखा है कांस्टेंट। मैंने बोला कि अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास करता हूं तो इक्वल अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिट होता है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम अमाउंट ऑफ वेट विल बी डिपॉजिटेड। ये सेकंड लॉ है, शॉर्ट में बता देता हूं ताकि कल का लेक्चर आगे फ्रेशली शुरू करेंगे हम। तो सेकंड लॉ बहुत सिंपल है, याद क्या रखना है आपको, सेकंड लॉ के लिए याद ये रखना है कि W1 upon W2 is equals to Z1 upon Z2 जब आपका करंट को सेम कह दे, चार्ज को सेम कह दे, सेम चार्ज नहीं भी कहता है, करंट सेम कहता है तो समझ जाना कि चार्ज भी सेम है। क्लियर, जब रेशियो लेंगे तो Q by Q कट जाएगा, तो W upon W2 equals to Z1 upon Z2, मतलब जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करने लगेगा तुम्हारे Z पे। क्लियर, बस ये चीज को समझाता है, ये फ्राइडे का सेकंड लॉ है। अब इसके लिए अलग लेक्चर के लिए समय वेट करते हैं, इससे बढ़िया समझा दिया मैं तुमको। क्लियर है, रेशियो बस याद रख लो W1 upon W2 और इक्वल टू Z1 upon Z2, बस इक्वल अमाउंट ऑफ करंट का आएगा, मतलब समझ जाओगे वो सेकंड लॉ का प्रॉब्लम है, बस। क्लियर, ठीक है, अगले सेशन में इससे बेस सवाल को पहले कराऊंगा। हाँ बस सेकंड वाला लॉ में कुछ है नहीं, इतना ही है, बस उसमें सिर्फ सेम अमाउंट ऑफ करंट की बातें करता है वो, मैं तुमको शॉर्ट में बता दिया। अब अगले सेशन को क्या करूंगा मैं कि इसके सवाल सॉल्व करूंगा, कैसे सवाल पूछ जाएंगे इस पे वो करा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेशन के लिए टॉपिक ना बचा रह जाए। ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं यही, आई थॉट आपको सब कुछ समझ आया होगा।